हाय दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ प्लाजो। प्लाजो का ग्राफ, तो आप लोग ग्राफ को देखिए। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ, इससे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से प्लाजो बनाना सीख पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लाजो, ठीक है। तो प्लाजो में क्या क्या माप होता है, क्या क्या मेजरमेंट होता है, वो आज मैं यहाँ बताने वाली हूँ। प्लाजो में सबसे पहले लंबाई होता है, मैं इसे शॉर्ट पे लिख देती हूँ, लंबाई होता है। तो इसके बाद वो आता है कमर, इसके बाद आता है आपका मोहरी, जो पैर के नीचे को कहा जाता है, पैर के नीचे वाले हिस्से को मोहरी कहा जाता है। ये तीन प्लाजो में माप होता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग लंबाई। लंबाई मेरा कितना भी रहे, 20 रहे या 24 रहे या 26 रहे या 28 रहे, तो मैं यहाँ आज 24 ही ले ली, मैं आज 24 ली। अब लंबाई मेरा कुछ भी रहे, किसी के लिए भी, उसमें हम 3 ऐड करना है, मुझे 3 ऐड करना है। तो ये मेरा 27 हो गया। सिर्फ प्लाजो के लिए नहीं, कोई भी आप पजामा बना रहे हैं तो उसमें 3 ज़रूर ऐड करें। अगर आप 3 ऐड नहीं कीजिएगा तो आपका पजामा छोटा बन जाएगा, आपका प्लाजो छोटा बन जाएगा। सिर्फ ये बड़े के लिए नहीं, छोटे के लिए भी, छोटे से बड़े के लिए, कोई भी लेंथ रहे आपका, कोई भी संख्या रहे रेंज में, 30, 40, 50 कुछ भी रहे, उसमें आपको 3 ऐड करना ही है। जैसे मैं यहाँ की हूँ, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरा लेंथ कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, इसमें हम 3 अपने मन से ऐड करके इसको 27 कर दिए। आप अगर 30 है तो 30 में 3 ऐड करके 33 कर सकते हैं आप इसको। ये तो लंबाई हो गया, ये तो आप लोग लंबाई को समझ में आ गया। अब आ गया कमर। कमर मेरा कुछ भी रहे, ठीक है, हो सकता है किसी का 20 है, किसी का 40 है, सबके तो बॉडी एक जैसी नहीं होती, इसलिए कमर भी का माप भी एक जैसा नहीं होता, तो मेजरमेंट में थोड़ा छोटा बड़ा होता है। तो मैं आज यहाँ लेती हूँ, मैं आज 28 लेती हूँ, ठीक है। 28 में अब मुझे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। आपका यहाँ कोई भी रहे संख्या, 30 रहे, 40 रहे, कुछ भी रहे, आपको 4 से ही डिवाइड करना है। ये आपको माथा में हमेशा याद रखना होगा, जो मेरा कमर के हिस्से में कोई भी माप आए, मुझे 4 से ही डिवाइड करना है। जितना भी आ रहा है, तो मेरा यहाँ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यहाँ 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये कमर का हिस्सा रहे हो गया। अब आ गया मोहरी। मोहरी में मैं प्लाजो का 12 लेती हूँ। आप 12 नहीं, आप 14 भी ले सकती है, आप मैं जैसे 12 ली हूँ, तो आप 14, 15, 16 कुछ भी ले सकती है। तो मैं यहाँ 12 ली हूँ, इसमें मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के ये अगर हम, तो मुझे यहाँ 6 आ रहा है। अब मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, लेंथ मेरा कुछ भी रहे, लेंथ मेरा यहाँ कुछ भी रहे, मुझे 3 ऐड करना ही है। मेरा यहाँ कमर कुछ भी रहे, मुझे 4 से डिवाइड करना ही है। मेरा यहाँ मोहरी कुछ भी रहे, तो मुझे 2 से डिवाइड करना ही है। ये प्रोसेस है, ये अप्लाई आपको करना ही है, तभी आपका सही पजामा या प्लाजो बन पाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, मैं इसे आपको ग्राफ भी करके दिखा रही हूँ, आज मैं स्केल में करके दिखा रही हूँ, किसी दिन मैं आपको बड़े कपड़े पर करके दिखाऊँगी। तो मेरा लेंथ है 24 में हम 3 ऐड करके 27 कर दिए हैं, तो यहाँ मैं 27 में मार्क लगा दूँगी, एक ऊपर से पूरा 27 पे मार्क लगा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ मेरा 27 आ रहा है, तो मैंने यहाँ एक मार्क लगा दिया। अब इसे करना क्या है, अब इसे मैं देखिए, यहाँ मेरा 24 था, प्लस 3 ऐड करके मैं ये पूरा लाइन ड्रॉ की हूँ 27 का, ठीक है। अब मुझे कमर के हिस्से में आना है, कमर का हिस्सा मेरा कितना है, 28 को मैं 4 से डिवाइड की हूँ, तो मेरा कितना आ गया, 7 आ गया, तो मैं यहाँ 7 में मार्क लगाऊँगी। तो यहाँ मैं 7 में मार्क लगा रही हूँ, लेकिन मुझे एक मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ 8 करूँ।
अगर मुझे सिलाई 7 में करना है तो मुझे अंदर की तरफ थोड़ा कपड़ा रखना पड़ेगा। अगर बाई चांस मेरा कपड़ा अगर टाइट हो जाता है, फिटिंग्स में टाइट आ जाता है, तो मैं ऐसे लूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 7 के जगह एक इंची एक्स्ट्रा करके 8 कर दिए, जैसे 7+1, तो यहाँ मैं 8 कर देती हूँ। आपका यहाँ पे कोई भी माप आए, आपका यहाँ कोई भी मेजरमेंट आए, 7, 6, 4 कुछ भी आए, तो आप 1 इंची इसमें एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। कमर के हिस्से में 1 इंची एक्स्ट्रा करके इसको आप लिख दीजिएगा। यहाँ नीचे मोहरी में भी 1 इंची एक्स्ट्रा करके आप यहाँ 7 कर दीजिएगा। तो मैं नीचे भी कर देती हूँ, 6 है और मुझे 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है, और 7 कर दी मैंने, मुझे 7 कर दिया, हो गया मेरा ये। अब मैं बताती हूँ, अब ये वाला हिस्सा मेरा बच गया, तो ये वाला हिस्सा के लिए मैं एक छोटा सा ड्राइंग कर देती हूँ। उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर समझाऊंगी तो आपको इजी और आसान हो जाएगा समझने में। तो देखिए, आप सब प्लाजो पहनते हैं, तो प्लाजो में आप देखिएगा इस टाइप का प्लाजो होता है, ठीक है। इसे कहा जाता है मियानी, ठीक है, इसे मियानी कहा जाता है, इसे बहुत कोई कोली भी कहते हैं। तो ये मियानी जो है, मैं इस हिस्से का ड्रॉ बना रही हूँ, मतलब मेरा लेंथ हो गया है, कमर का हिस्सा हो गया है, और मेरा मोहरी का हिस्सा भी हो गया। अब मेरा बाकी है मियानी वाला हिस्सा। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मियानी वाला जो हिस्सा है, ये छोटे का आप 9 से 12 के बीच ले सकते हैं, और बड़े का आप 14 से 16 के बीच ले सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगर ये दो बात अगर आप याद रखिएगा तो पजामा आपका और भी इजी हो जाएगा बनाने में। तो देखिए, मैं यहाँ पे छोटे का बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको 9 ले रही हूँ, ठीक है, 9 ले रही हूँ। तो यहाँ 9 पे मैं मार्क लगा देती हूँ इसको ऐसे करके। अब मेरा ऊपर 7 है, ऊपर 8 है और नीचे मेरा 7 है, 6+1, तो यहाँ मेरा 7 है, तो 8 और 7 थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ जो 9th जो हम पॉइंट किए हैं, इस जगह में ही हम एक मियानी लगाएंगे। आज मैं मियानी लगाने वाला प्लाजो दिखा रही हूँ, मैं नेक्स्ट दिन बिना मियानी वाला भी प्लाजो दिखाऊंगी। ये ड्रॉ इस टाइप का होगा। तो ये में हम 2 ले लिए हैं, और इधर मैं अपने मन से एक स्केल दे दी। ये जो कोली है, ऐसे टाइप का जो त्रिकोण टाइप का एक कोली होता है, इसका कोई माप नहीं होता, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। इसकी लंबाई आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसकी चौड़ाई भी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसकी लंबाई 3 लिया है और इसकी चौड़ाई मैं 2 ली हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, ये मेरा पूरा ग्राफ रेडी हो गया है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग कोई नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू।